मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा सा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाड़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।